गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी? मैं बहुत अच्छा। आप जो क्या जाने वाले? हम लोग लंबा टूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ब्लॉग में बने रहिएगा तो पता चलेगा। ब्लॉग में बने रहेगा और एक और खुशी से एक लाइक भी मारिएगा और नई डिसलाइक करिएगा और एक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन में प्रेस। क्रिसमस छुट्टी के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, लगभग 900 किलोमीटर दूर। जर्नी बहुत लंबा है और अभी रात के लगभग 9 बज रहे हैं, तो छुट्टी आज मिला इसलिए हम लोग शाम में आए थे। अभी रांची में हैं, रांची से हम लोग निकल रहे हैं और ब्लॉग में बने रहिएगा तो पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं, ये रोहन और आरुष। आरुषि कहाँ? आरुषि हाय कर दो। चलो भैया लोग आए हैं, चलो भैया लोग भी आए हैं। देखें, चलो बाय किया, अच्छे से जाइएगा। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। जय शु। तो हम लोग निकल चुके हैं लंबी टूर के लिए रात के 9 बजे और लगभग 24 घंटा का जर्नी है और बीच में कहीं रुकेंगे थोड़ा रेस्ट के लिए। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं, सदाबहार चौक पहुंच रहे हैं नामकुम रांची। और अभी तो जस्ट अभी निकले हैं और हमारे साथ और एक गाड़ी है जो कि पीछे है, जो कि स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो में निकले हुए हैं और हम लोग अपना फैमिली के साथ वैगनार में ही निकल चुके हैं। और ये देखिए, अभी हम लोग सदाबहार चौक नामकुम पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लोग लेफ्ट ले लेते हैं। पहुंच गए हैं नामकुम रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज। रात के 1 बज रहे हैं और अभी हम लोग पुरलिया पार करके आगे बराकर पहुंच, बराकर है वही आसपास कुछ कोई रेलवे क्रॉसिंग है वहां पहुंचे हैं। और ये देखिए, हम लोग रात में, रात के 1 बजे यहां पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जब यहां रुके तो हम लोग का कैमरामैन सो गया है इसलिए बीच का ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं और कहीं कहीं पर रुक रहे हैं तो वहाँ पर कर रहे हैं। सुबह के 6:04 हुए हैं और अभी हम लोग दुमका हंसडीहा रोड में हैं। लग रहा था तो फिर ड्राइवर अभी हम चेंज कर दिए हैं, हाथ पैर भी दर्द दे रहे हैं तो अभी लगा दिए हैं काम में और अभी हम थोड़ा सा आराम करेंगे। और पीछे लोग सो रहे हैं, बच्चे लोग। ये भागलपुर का गंगा पुल, अभी हम लोग गंगा नदी से क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं भागलपुर का गंगा पुल से। कितना बज रहा है रोहन? कितना बज रहा है? 8:41 दिन के 1 बजे हैं और हम लोग अभी पहुंच गए हैं किशनगंज। लगभग 600 किलोमीटर हम लोग कवर कर लिए हैं। कितना किलोमीटर कवर किए बताओ? चलो बताओ, बताओ कितना किलोमीटर कवर किए। और किशनगंज में थोड़ा सा रेस्ट, 15-20 रेस्ट करने के लिए आए हैं का? तो यहाँ हम लोग मिलने आए हैं किसी से, दिखाते हैं करते हैं। जय श्री, इसके लिए मज़ा आ रहा है। कहाँ तो पर्व त्यौहार का कुछ दिख भी नहीं कर रहे हैं। चलो ब्रश फटाफट करो,
5:12 हो चुका है शाम का, और अभी हम लोग महानंदा ब्राज के पास हैं। दिखाता हूँ महानंदा ब्राज, ये रहा, पता नहीं आगे क्या हो रहा है। कल शाम का निकला हुआ हम लोगों का, आज 12 घंटा पार हो गया, 12 घंटा क्या 24 घंटा पार हो चुका है। और देखते हैं हम लोग कितना कवर किए हैं किलोमीटर, किलोमीटर है 768 किलोमीटर, और हम लोग का डेस्टिनेशन है और 84 किलोमीटर बाकी है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रहा 84 किलोमीटर और बाकी है। फाइनली 10 मिनट जाम में फंसने के बाद बराज खुल गया है और हम लोग निकल चले हैं। हम लोग इनके साथ और एक गाड़ी है जो आगे वाले कार से आगे है कि स्कॉर्पियो, निकल चुकी है और हम लोग उसके पीछे हैं। और ये अभी हम लोग फुलबारी जलपाईगुड़ी रोड में हैं। यहाँ पर थोड़ा देर रुके हुए, कुछ कन्फ्यूजन था इधर से आना है कि किधर से, इधर से कि उधर से। हम लोगों का मंजिल अभी और 77 किलोमीटर है। हम लोग लग रहा है फुलबारी से जलपाईगुड़ी रोड में तो आ गए हैं जैसे लग रहा है। अभी हम लोग गूगल देख के चल रहे हैं, ये गूगल इसी के भरोसे चल रहे हैं। कल लेकिन बहुत धोखा दे रहा था, सबको डाल देते हैं उधर दौड़ के आ जाते हैं, क्या करते हैं। चल पटले कटा होगा पैसा बेला कोबा है, फाटा कुकुर के फाटा पुकुर के बाद बेला कोबा। और ये हम लोग अभी पहुंच गए हैं बेला गाछा, बेला कोबा, और बेला कोबा इधर एक बोर्ड है, देखते हैं बेला कोबा का बोर्ड। नॉर्थ ईस्ट जाने वाला रोड है ना, इसीलिए बहुत भारी भीड़ रहता है लग रहा है। नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा बाय रोड जाने के लिए इधर ही का रोड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इतना तामझाम है। रेनिन नगर इधर दिखा रहा है, मोहित नगर, जलपाईगुड़ी, हल्दीबाड़ी, इधर ही से जाते हैं, इधर बोर्ड है पता नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं उसका बायां साइड तरफ गौरी हाट करके कुछ ऐसा बोर्ड में देखे। अच्छा रोड था, उसको छोड़ दिए, वहाँ पर उधर जाने नहीं दे रहा था, तो हम लोग पता नहीं इधर कहाँ निकल गए हैं, मसककली बाड़ी ब्रिज तरफ। अब उधर से हम लोग को जाना है उधर गैरकटा तरफ, देखते हैं मिलाता है कि नहीं मिलाता है। भागमती सिलीगुड़ी रोड बताया जा रहा है, और हम लोग को गली गली घुमा के इधर नेशनल हाईवे 27 में मिला दिया। और इधर से क्या दिखा रहा है, दार्जिलिंग 120 किलोमीटर, गैंगटॉक 165, सिलीगुड़ी 45 किलोमीटर, जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन 2 किलोमीटर, जयगांव 101 किलोमीटर, कूच बिहार 105 किलोमीटर। कहाँ गए हम लोग, आगे हैं कहाँ। और ये जगह तो लगता है मैनागुड़ी होगा, इधर एक दिखा रहा है साइन बोर्ड दिखा रहा है मैनागुड़ी करके, ये गूगल मैप में ये पिंक दिखा रहा है, और जब से ये पिंक आया है रोड बहुत ख़राब है, तब देखते हैं थोड़े देर में ये पिंक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है। हमको लगता है कि जहाँ पिंक दिखाता है गूगल मैप में तो पिंक मतलब ख़राब रास्ता, क्योंकि जब से पिंक शुरू हुआ है ख़राब रास्ता ही है और पिंक अभी तक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब जैसे यहाँ से पिंक लाइन हट के
ब्लू लाइन आया और अच्छा रोड हम लोगों को मिल गया। तो इससे पता चलता है कि पिंक लाइन आया, तो पिंक कलर का लाइन आया तो हम लोग समझेंगे कि वो रोड बहुत ही ख़राब है। तो अब से हम लोग वो रोड को चेंज कर देंगे। काम आधो पिंक दिखाया तो हमको उसे हमको शक लग रहा था, लेकिन अब कंफर्म हो गए। अभी देखिए यहाँ पर ब्लू आ गया है तो रोड अच्छा है का। और इधर हम लोग मैना गुड़ी और धूप गुड़ी वाला रोड बायां साइड है, ये इधर जो बायां साइड है तो इधर मैना गुड़ी है और सीधा शायद धूप गुड़ी होगा। हुसलू डांगा टोल प्लाजा में आपका स्वागत है। अरे यार, स्वागत करके तो पैसे ले लेते हो, कोई जरूरत नहीं स्वागत का। चलो यार डालो। हुसलू डांगा का नाम बोलो, हुसलू डांगा टोल प्लाजा और धूपगुड़ी में है बोलता है। ये जगह कौन सा है? धूपगुड़ी है। चल खुल गया। कितना काटा यार तुम लोग? हाँ चलना यार तुम लोग। स्वागत किया और स्वागत मत करो, पैसा काटो। शाम के 7:36 हुए हैं और आज है 24 दिसंबर, और अभी हम लोग यहाँ रेड लाइट हो गया है और हम लोग खड़े हैं धूपगुड़ी चौक के पास। शायद धूपगुड़ी चौक होगा। अब रेड लाइट हटे तब तो अब कितना देर रेड लाइट। गैर कटाती है स्टेट, अब गेट बंद है। उतरेगा रे गुड्डू? हाँ गेट खुल गया है। और हम लोग पहुंच गए। देखा चाय बाएं दाएं चाय बागान, इधर लग रहा था चाय बागान। अभी आए थे तो 2018 में। चाय बागान इधर है और इधर भी चाय बागान है। और आगे में फैक्ट्री है। फाइनली हम लोग अपने मंजिल पर पहुंच चुके हैं और गुमला से यहां तक का टोटल किलोमीटर हुआ 853.9 किलोमीटर। राउंड फिगर में इसको कह देते हैं 854 किलोमीटर। चलो पूछो कहाँ है। मेलविन पूछ रहा है कहाँ है। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ गरकटा टी स्टेट, और जिस घर में आए हैं वहाँ डेकोरेशन हो गया है। कहाँ है मेलविन? और का नाम तेरा? भुला जाते हैं। फिलिसिता। हाँ जैसे। और निर्मला। निर्मला और रोमला। रोमिला। रोमिला भुला जाते हैं। कहा जाए ठीक है, तुम और छोटा लग रहा है। अरे नवीन की भाभी जैसे रोबर्ट का नाम जैसे रोबर्ट ना। हाँ का नाम? आयुषी। फिलिसिता की बेटी है ना? किसका? रोबर्ट का। ओ चलो का नाम? चलो चलो जय जय करो। अरे ये कौन है? इधर है मेरा क्रिसमस गाना का शूटिंग, तो यहाँ बढ़िया हो जाता है। यहाँ तो बढ़िया चरनी बना है। अगले साल जल्दी चरनी बना देना है, नवंबर में बना देंगे।
और इधर का लोकेशन ऐसा है, डेकोरेशन अच्छा है, डेकोरेशन आप देखते हैं आरुष कहाँ गया? टेंट यहाँ लगाएंगे हाँ? टेंट कहाँ लगाना है जल्दी बता। ये अभी पहली बार आ रही है, ये छोटकी है, आरुष से छोटकी है और तो नवीन का है, एक साल हो गया ना अबे? डेढ़ साल, डेढ़ साल। पूछा यहाँ पर पहुँच के कहाँ है, साल कहाँ है देख रहा हूँ। चलो ना जा। कहाँ है, कहाँ है, खेलो अब तुम पूरा खेलो, गेट बंद कर रहा हो पूरा खेला। तो आरुष ब्लॉगिंग करेगा, कहाँ गए? अरे एक बिल्ली ब्लॉगिंग करेगा, करेगा ब्लॉगिंग की? ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया बोला रजनी। और उल्टी की एक ही बार की उद्घाटन कॉल की का? यहाँ तो गर्मी लग रहा है। हाँ और यहाँ का चरनी हम दिखाते हैं का गुड, अगले बार इधर आता है आना पड़ेगा का शूटिंग के लिए। दूर से देख रहे डिजाइन देख रहे हैं, रेडीमेड है का सोच रहे हैं। बहुत ही सुंदर चरनी है, देखा रोहन, देखा चरनी, इसको बोलते हैं चरनी ना। अभी के लिए इतना है, फिर बाद में देखते हैं क्या क्या होता है तो बनाया जाएगा। तो गुड्डू का ख़त्म हो गया, आदिवासी रीति रिवाज से हम लोगों का स्वागत हो रहा है और सबसे पहले गुड्डू का। लोटा में पानी और कांसा, लोटा में पानी और कांसा थरिया में पैर को धोया जाता है। थके मांदे आते हैं तो पैर धोने से रिफ्रेश होते हैं, यही कारण है हम सुने हैं। क्या है अबे काट देगा, चल जा जा लगेगा 5 इंजेक्शन ना। रुकिए पैर हाथ दबा रहे हैं, रुकिए फोन कर रहे हैं आपको। अब पारी है माधव का, बढ़िया सामने से आके खींचो ना, देखो ना ये दे क्लोजअप ले दो। अरे नवीन आ रहा है। ये है माधव, झारखंड में ऐसा होता है माधव? झारखंड में होता है क्या? लेकिन देखो इधर कहाँ है, कहाँ है माधव का भी हो गया। अगला पारी आ गया किसका, नवीन देवर का। नवीन का गोड़ धोवाई करते हुए उसकी भाभी बहुत दिन बाद में आया, कब? 2017 के बाद, 2017 में आए थे, 2017 में आए थे। हाँ 4 साल हो गया ना, साल हो गया। देखिए अच्छा।